आप देखेंगे क्वेश्चन जो एग्जाम आएगा ना, अब पता चलेगा कैसे। जैसे वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, पूरा पूरी सॉल्व नहीं करवा एग्जाम में, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। जैसे है फोरियर में किस तरह से आएगा क्वेश्चन, सर वो बता रहे हैं। जैसे हाफ रेंज सीरीज होता है, एक हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज किसके लिए है, पहला है हाफ रेंज फोरियर, फॉर्मूला देखो फोरियर साइन सीरीज, कौन सीरीज है, साइन सीरीज है। उसका फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स बराबर समेशन ऑफ एन बराबर वन से इनफिनिटी तक, वही वाला जो आगे पढ़े थे हम लोग, उसी को साइन को अलग कर देते, हाफ रेंज सीरीज बना दिया साइन को साइन, और कुछ नहीं है बात। हाँ साइन एन पाई एक्स बटे एल, ये हो गया। इंटरवल दे दिया है इसका, हाँ इसका इंटरवल जो दिया है ना, इसका इंटरवल दिया है जीरो से एल। ये किस इंटरवल में है, ओवर इंटरवल इसका दिया है जीरो से एल में, इंटरवल इसका है जीरो से एल, एल क्या जीरो से एल, जैसे ए वो उसका देखे थे ए से ए प्लस टू एल, ये किस इंटरवल के लिए सूत्र है, ए जीरो से एल के लिए सूत्र है, जिसे हम लोग कहते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज साइन साइन सीरीज। मतलब हाफ रेंज का कौन सीरीज है, ये साइन है तो साइन वाला सीरीज कर दिए, कॉस रहेगा तो कॉस वाला सीरीज कर देंगे। अब इसका कहेगा लिखने के लिए, इसमें क्या करना है, खाली बी एन का मान, वेयर बी एन मान पुट कर देगा, अब बाद में की सब साइन सीरीज कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे बी एन बराबर देखो, बी एन बराबर इसमें क्या होता है टू बाय एल, अब ये कैसे निकला है, जो जनरल फॉर्मूला था मेरा उसमें ये पुट करो सारा वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, कैसे होगा निकलने के लिए बहुत बार सिखा चुके हैं। जो ए से ए प्लस टू एल था उसमें एक जगह जीरो पुट करो और ए प्लस टू एल क्या पुट करो, एल पुट करो, ये सीरीज निकल कर आएगा, और वहीं से बी एन का वैल्यू ये निकल कर आएगा टू बाय एल जीरो से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बटे एल डी एक्स, इसी को कह दिया, कौन कह दिया, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। कुछ है इसमें क्वेश्चन में क्या, आप लिखिए हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज लिखिए, ठीक है ना, तो आसानी से हम लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे बी एन निकाल के पुट कर देंगे, हो यही हो गया आपका साइन सीरीज, इतना ही करना। हाँ दूसरा एगो सवाल बता देते हैं आपने, क्या हुआ इसमें थोड़े पूछे, ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज है, इसका फॉर्मूला ये है जब बी एन बराबर, ये बात खत्म है, जब समझाते समझो लिखो मत, ठीक है ना। दूसरा है हाफ रेंज लीनियर बन रहा है ना, हाँ वो तो सर बन रहा है कल से, हाँ हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, कौन सीरीज कोसाइन, कोस रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, कोसाइन सीरीज ए नॉट बाय टू ए एन कोस एन बाय एक्स बटन एल, ये कौन सीरीज हो गया, कोसाइन सीरीज, किस इंटरवल में, जीरो से एल में ही, वेयर इसमें दो के वेरिएबल है, एगो क्या है ए नोट है, यहाँ पर ए नोट का मान क्या होगा, ए नोट का मान टू बाय एल जीरो से एल एफ एक्स, जो जनरल फॉर्मूला याद किया था खाली वन की जगह टू कर देना इंटरवल उतना की जगह इतना, और बाद में की सब सेम, ठीक है ना, साइन वाला में ये कर देना कोसाइन वाला में ये कर देना, और कुछ अंतर है ये भी याद हो गया का फॉर्मूला, तो वही वही था यार, ठीक है ना। और यहाँ पर ए एन बराबर हो जाएगा टू बाय एल जीरो से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बटे एल डी एक्स। अब ये को हम लिख के दिखाते हैं प्रॉब्लम इस पर, चलो इसको उतारो जल्दी से, इसको लिखो टू बाय एल कैसे निकला ना, एक तरह से फॉर्मूला है, जैसे कल एगो फॉर्मूला लिखे थे ना उसमें इंटरवल देख लेना करके अपने आ जाएगा टू बाय एल, जब मान वैल्यू से पुट करेगा ना। आप देखो यहाँ से, यहाँ देखो ए है, ए प्लस क्या है टू एल है, इसको क्या बनाना चाहते हो, ए प्लस जीरो एल बनाना चाहते हो, ए बराबर क्या पुट करना पड़ेगा जीरो, और ए प्लस टू बराबर क्या पुट करेगा एल,
ये जीरो है तो डिप्लोमा नंबर 12 बराबर तो यानी कि ए प्लस ए और ए प्लस टू है इसको कमन करना है जीरो और एल में ये तो जीरो कर दिए हैं है ना ये टू एल है यहाँ पर एल टू एल को घसका दिए एल के जगह पर हो जाएगा एल बाय टू तब हो जाएगा देखो एक जगह जीरो एक जगह जीरो पुट करेंगे एक जगह क्या पुट किया हम लोग जीरो पुट किए ठीक है यहाँ कितना एल है और उसका यहाँ पर क्या है आधा है देखो तो एल बाय टू ठीक है यहाँ से ए प्लस टू बराबर क्या रखेंगे हम लोग एल रखेंगे आधा करेंगे तब ना हाफ होगा तब ना हाफ होगा जीरो प्लस टू बराबर क्या निकलेगा एल दोनों काटो मत ये एल वाला जो इसका एल है ना ये एल वाला निकलेगा ये एल बाय टू तो ई एल जो है ना एल बाय टू पुट करेगा टू खुद के ऊपर चला जाएगा या इसको तुम एल डैश समझो नहीं समझ में आता है तो उस प्रकार समझो सब समझने की लड़ रहा है वो अलग है समझ रहे ना थोड़ा सा और कोई बात नहीं है समझ गया ना एक्स भी मान सकते हैं एक्स मान सकते हो एक्स समझेंगे एक्स समझेंगे एक्स देंगे लोग समझ पाया कुछ नहीं करेंगे आप इस पर देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है बोले लिखो इसको प्रॉब्लम बहुत आसान है इस पर कल तीनों पढ़ा देंगे सर तीन को हाँ फिर दूसरा दिन तीन को क्या दिन तब टाइम बचेगा सुबह में सत्ताईस को जाएंगे हमें दीपावली कब से है सत्ताईस को सत्ताईस को जाएंगे बोर्ड में सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा टेंशन मत लो बिना कहीं चीज के हाँ बिना कहीं चीज के ठीक है ना आगे चले हम लोग सवाल बता मैं लाओ क्वेश्चन लो एग्जाम वाला क्वेश्चन लो ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है सवाल बहुत इजी एग्जाम आएगा फोर ईयर से क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है सत्तर में सत्तर नंबर लाना है जी सर सत्तर में जरूरी है सर यू टू बी देते हैं करने के लिए साइज कर देगा नहीं मिलना ना आदि के बाद हमसे एग्जाम के बाद यात्री गण कृपया शांति बना कर रखे यस सर अरे छठ के बाद क्या गाड़ी खुले वाली बात है गाड़ी अपने नियमित समय से खुलने वाली है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कब का क्वेश्चन है 19 का ही 2018 का 2018 में पूछा है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एफ एक्स बराबर दे दिया है ठीक है ना साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई में हम लोग देखते हैं कोसाइन सीरीज का है ना हाँ कोसाइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइनो वाला साइनो वाला पूछा है फाइनल का फोरियर सीरीज ऑफ मतलब इन द इंटरवल साइन का फॉर्मूला है वो वाला ये माइनस पाई से पाई ये तो बन जाएगा अगर जैसे माइनस एक से क्या माइनस टू से प्लस टू था उसी प्रकार से करना बनाना ये हम ये तो बन जाएगा यही बताते हैं वो कहेगा जरूर करेंगे कहेगा छोड़ दीजिए बन जाएगा किस इंटरवल के लिए है जीरो से एल क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन लिखो पहले हाँ फाइंड द 2018 SBTE चलो फाइंड द हाफ रेंज
फाइंड द हाफ रेंज पर हाफ से लिखे हैं और हाफ ने लिखे हैं फाइंड द हाफ अलग अलग है हाफ रेंज वो साइन सीरीज एफ एक्स बराबर साइन एक्स इन द इंटरवल इन द इंटरवल जीरो से पाई एंड हेंस डिड्यूस द दैट कहता है प्रूव करने के लिए पाई बाय फोर इक्वल टू वन माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाय सेवन हो देखो ये प्रॉब्लम है हम लोग इसको काम करेंगे इस पर ठीक है ना हमको क्या करना है हाफ रेंज कोसाइन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे शुरू में जब फोरियर सीरीज वो था फुल फोरियर सीरीज था उसी को दो पार्ट में कन्वर्ट करके एक बना दिया कोसाइन सीरीज एक बना दिया साइन सीरीज हाफ हाफ करके ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर इस टाइप का किताब में सवाल दिया हुआ ठीक है ना तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया एफ एक्स बराबर क्या है हाफ रेंज कोसाइन फॉर्मूला ए नॉट बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन बराबर वन से अनंत तक ए एन कॉस अब देखो यहाँ पर एल का मान मेरा क्या है एल का मान पाई है तो पाई पाई कैंसिल क्या बचेगा एन एक्स बचेगा पाई से बना लेना है फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला है लिमिट देखते हुए काम करना जीरो से कुछ रहेगा तब टेक्निक अपनाना मुझे जीरो से एल भी लिमिट देता है नहीं दिया ऐसा है यदि जीरो से एल को नहीं दिया है तब ए प्लस टू एन तुमको पता है कितना बात क्या होता है ए प्लस टू एन पता है ना उसी स्थिति ये सब निकलता है ना आसानी से सब निकाल सकते हो समझ में आया कल को नहीं देगा तो कैसे करना हुई हम बताती हूँ आप यहाँ क्या करेंगे हाँ आप देखो ये तो फॉर्मूला जीरो सर में लिखा है ना इतना फॉर्मूला है नहीं यदि पूछेगा कोसाइन थ्री बताइए टू से तीन पे क्या होगा तब क्या करेगा तब कहेगा वो तो फॉर्मूले बताए हैं हम तुमको ए से ए प्लस ट्वेल्व वाला वक्त बताए हैं क्या होगा ए से ए प्लस ट्वेल्व में इसका वैल्यू यानी कि ए वाला कॉस वाला को जोड़ देगा वही हो जाता है कोसाइन और बाकी सब हो जाता है साइन होता है ना उसमें जो था सब चीज का मान यानी कि जो जनरल फॉर्मूला पढ़े थे ए वाला टर्म उसको लेगा तो कोसाइन हो गया और बाद में कि जो बचा वो क्या हो गया साइन वाला साइन हो गया ए नॉट बी नॉट सबका मान वही है कल का देखो कल जो फलना ड्राइव किए थे ना जीरो साल भी केस लिए थे कोनो देखो तो जीरो साल वाला केस था ना उसमें देखो यही सब आया होगा उसमें यही सब आया होगा समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं जो जनरल फॉर्मूला था दिखा दे रहा है इसमें गजब मोबाइल है तुम्हारा लेकिन तो अंधेरा में भी तो आँख को नहीं देता है लेकिन उसको दिखाई देता है चलो बढ़िया लेकिन बात है ठीक है ना आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फॉर्मूला हम लोग लिख लिए फॉर्मूला के एगो होमवर्क दे देंगे उस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए आप साइंस सीरीज तुमको निकालना है इसी प्रॉब्लम को ठीक है चलो यहाँ से पहले बताओ ए नोट बराबर क्या होगा ए नोट बराबर क्या होगा ए नोट देखो टू बाय एल तो एल के जगह क्या बैठाएगा एल के जगह कौन बैठाएगा पाए है ना टू बाय पाए जीरो से एल की जगह पर पाए एफ एक्स डी एक्स तो एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स साइन एक्स तो पहले इसका काम कर लेते हैं हम लोग इसका काम पहले हम लोग कर लेते हैं ठीक है ना तो चलो ए नोट बराबर टू बाय पाए जीरो से पाए फंक्शन क्या दिया है फंक्शन क्या दिया है साइन एक्स डी एक्स है ना फंक्शन ये दिया हुआ यहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स कहां से कहां तक जीरो से पाई तक जीरो से पाई तक तो ए नोट बराबर माइनस टू बाय पाए कॉस पाए का मान माइनस वन माइनस वन कॉस एक्स अस्सी डिग्री का मान माइनस वन अब जीरो डिग्री का मान तो माइनस माइनस प्लस टू प्लस प्लस दो दुना फोर बाय पाए ए नोट का मान क्या निकला फोर बाय
पाई। अब क्या करेंगे हम लोग, ए एन का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो ए एन बराबर क्या है, टू बाय एल, ये एल है ना, तो टू बाय यहाँ क्या होगा, पाए होगा, क्योंकि जीरो से पाए सीरीज में रहा है। जीरो से क्या होगा, यहाँ से पाए होगा। एफ एक्स जगह बोलो, फंक्शन बोलो, साइन एक्स है ना, एक ही बार कर देते हैं। एल का जगह क्या बैठाएगा, पाए, पाए पाए कैंसिल, तो कॉस क्या होगा, एन एक्स, कॉस क्या होगा, एन एक्स, डी एक्स, दो से गुना दो से भाग, दो पहले है तो काहे गुना भाग करेगा, जीरो से पाए, टू अंदर चला गया, ठीक है ना। एक स्टेप और, टू साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, तो ए एन बराबर क्या होगा, यहाँ से टू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस बात हम लोग आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जीरो से पाए साइन, सर इसका साइन टू एन एक्स में लिख सकते हैं सर, साइन टू एन एक्स, साइन टू बराबर टू साइन इन टू कॉस, एंगल सेम होगा तब, एंगल तो सेम है ना यहाँ पर, इसीलिए ऐसा नहीं होगा, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी ये एन है, ये एक्स है, प्लस साइन ए माइनस बी, बंद कर देते हैं इसको, डी एक्स लास्ट में बैठा देना, डी एक्स है फॉर्मूला हम लोग क्या बैठा दिए। अब यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं, एक दो स्टेप और लिख देते हैं, पेट खराब नहीं हो तुम्हारा, एन बराबर जीरो से पाए, अलग करो, एक्स कॉमन निकालो यहाँ से, साइन एक्स इंटू वन प्लस एन डी एक्स प्लस जीरो से पाए। अच्छा साइन जीरो और साइन एक्स का मान, साइन जीरो का मान, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन एक्स अस्सी, साइन एक्स अस्सी जीरो में नहीं था, क्या इसका जीरो से पाई इंटीग्रेशन होगा, जीरो से जीरो हो गया, साथी वाला होगा, नहीं साइन एक्स का, अच्छा ठीक है देख लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना, एक रूल लिखा है इसमें से, तो इसमें सर वन बाय पाई बाय फोर का इस्तेमाल कहाँ होगा, ठीक है जीरो से पाई, जीरो से पाई, अब क्या करेंगे आगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, जीरो से पाई हुआ ना, आगे क्या करेंगे, साइन एक्स निकाल लेंगे कॉमन, एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया, वन माइनस एन डी एक्स, पहले यहाँ तक काम करो, पहले यहाँ तक काम करो, मोबाइल में झलकता है, मोबाइल लेकिन हटो देख पर देखते कैसा झलकता है, दिखता है अच्छा दिखता है, जूम करेगा हो जाए, वाह बिना जूम का दिखाई देगा तो इतना झकास समझ सकते हो, बोर्ड पर भी नहीं दिखाई देगा, फायदा तो सर ये चार बार देखेगा लेक्चर को, ये टॉप करेगा सर, सही में कल से डेली चार्ज कर करना, चार दिन का तो बातें है, अब ये टॉप करेगा, पहले से खरीदा तो दिक्कत नहीं था हम लोग को, दिक्कत चलो लिखो इसको, लाइट होगा देखो तो अंदर लाइट जला दो तो बोर्ड पर दिखाई देगा सबको, बोर्ड पर तो झलकत है सर जी को, नहीं लाइट जला लो, कॉपी पे लाइट जला लो, उधर लाइट दे दो, हां लिखो, साइन एक्स हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो से जाएगा, जीरो से कहाँ होता है ये पाई बाय टू पाई मैक्सिमम, तो साइन हाँ वो इंटीग्रेशन होगा जीरो पाई में, इंटीग्रेशन आसानी से होगा, जीरो जीरो से टू पाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है साइन एक्स का, जीरो से पाई होगा क्योंकि जहाँ पर रूट्स मिलता है वहाँ ब्रेक करता है इंटरवल, जैसे ये होता है जीरो टू पाई होता है ना, यहाँ पर सपोज दैट डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग जीरो टू पाई में साइन का, कर सकते हैं वन माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव का इस्तेमाल कहाँ किए सर, वो प्रूफ करना हमको है, वो प्रूफ करना, हाँ वो जब तक सीरीज नहीं आएगा ना, ये सीरीज एफ एक्स जो लिखे ऊपर में उसी से वैल्यू पुट करेंगे एन एक्स के जगह पाई बाय फोर तब आ जाएगा, अच्छा अच्छा क्योंकि साइन का एंगल है पाई बाय फोर अपने आ जाएगा वो, 2018 के साल क्वेश्चन कहाँ बनता हम है ना उसके लिए, व्हाट्सएप से पटना चले जाएंगे ना तो तुम लोग के लिए सेवा करेंगे, टेंशन नहीं लो, अब मोबाइल सब है जो आप सेवा कर दे वो तो है ही है, सामना सामने जो है तो दिक्कत है ना, जिंदा में जो खिला देगा मरला में कितना भोज करेगा थोड़े होता है, नहीं यूट्यूब पर कुछ कुछ डालेंगे जरूर लेकिन यही लेवल डालेंगे, सेमेस्टर टॉप थोड़े मैथ तो पढ़े भी करेंगे हम, पहले बात है जितना पढ़िएगा हम सबका वीडियो बना वही करेंगे ना, जितना जेई पढ़ेंगे ना आपको ऑटोमेटिक फायदा आ जाएगा, जितना बनाइएगा वीडियो उतना टोटल, एक उसके लिए मोबाइल चाहिए, एक तो मोबाइल लेना पड़ेगा, मोबाइल हंसराज का दे दीजिए, हंसराज यहाँ पटना से रहेगा।
दोनों ही पढ़ने से पड़ जाएगी आपको। आगे तेरे हम लोग काम होगा क्या होगा cos n plus 1 into
पाई माइनस वन, ठीक है ना, इसको करो वन बाय पाई इंटू वन माइनस एन इंटू साइन पाई इंटू वन माइनस एन, ये किसका मान निकला, ए एन का मान निकला है। इसको यहाँ क्या करेंगे, ए एन और ए नॉट का मान पुट कर देंगे, यही मेरा क्या होगा, फोरियर सीरीज निकला, अति मतलब फोरियर सीरीज किसका, कोसाइन का। लेकिन हमको तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एफ एस इतना इन द इंटरवल इतना, एक काम पूरा हो चुका है, वैल्यू पुट कर देंगे तो एक काम मेरा पूरा हो चुका है। यहाँ तक नोट करो, पाले यहाँ तक नोट करो। इसी प्रकार से कोसाइन साइन का भी निकाला जाता है, खाली वहाँ तो एक एक वैल्यू निकालना पड़ता है, खाली बी एन का मान निकालेगा साइन वाला में, उसका प्रयोग हम लोग देखेंगे अभी, ये आई वो बाय सेक्शन करा देंगे फिर खत्म। वही चैप्टर दू गो बचल है, किरचॉफ एलसी सर्किट आर पढ़ना है, मीन आरएमएस वैल्यू निकालना है, दू गो चैप्टर उधर है, वो तीन चैप्टर बचल है, उधर तो पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाएंगे ना, उधर तो कम कम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैथ फोरियर कम्प्लीट है, दस मतलब साढ़े छह तक फोरियर मतलब आज फोरियर हो जाएगा, एगो साइन फॉर्मूला तो साइन सीरीज निकालेंगे समझा देंगे हो गया उसके बाद। ये तो भी समझा ही था, खाली थोड़ा सा वैल्यू कैसे पुट करना है वही हमको सीखना था, ए एन का मान कैसे निकला तो पहले ही पढ़ा दिए है। इसमें क्वेश्चन करना है दिमाग का शांति रखकर इंटीग्रेशन करना, पहले एग्जाम में पहले इसी चैप्टर को सॉल्व करना थी, छह नंबर सब बना लेना, ठीक है ना, छह नंबर छोड़ दिए नहीं तो छूट जाता है, छह नंबर शुरू में दिमाग शांत रहता है, छह नंबर बन जाएगा आसानी से, कुछ पास तो करेंगे, दुनिया को ताकत मिलो, क्या मार्केट का सामान सब ला लो, आगे चले आपकी जैसी एक पता है,
है ना पता बहुत। उसके बाद एक रिजल्ट निकल जाएगा मेरा लास्ट में, रिजल्ट निकल जाएगा। ये सब का फॉर्मूला होता है, ये सब का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो तुमको याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति सब होता है हमको, लेकिन खुद मन मुझे याद नहीं है। क्या करेंगे, cos a + b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू क्या हो गया साइन बी, ये तो जीरो हो गया है ना। cos x से डिग्री का मान माइनस वन माइनस cos n पाई, बोलो यहाँ से cos n प्लस वन इंटू पाई का मान क्या निकला, और इसका मान अभी क्या इसे पहले ड्राइव किए थे माइनस वन के पावर है, माइनस वन इंटू माइनस वन के पावर क्या ड्राइव किए थे हम लोग, एक ड्राइव किए थे। यहाँ से क्या होगा माइनस वन के पावर n प्लस वन हो जाएगा, बोलो साइन एन पाई जीरो नहीं होता है। इस स्टेप को लिखने से पहले डायरेक्ट स्टेप रखने से पहले एन बराबर क्या करेंगे माइनस वन बाय पाई इंटू वन प्लस एन है ना, वन प्लस एन इंटू उसके जगह क्या पुट करेंगे माइनस वन के पावर एन प्लस वन है ना, एन प्लस वन कोस्ट लगाओ यहाँ से माइनस वन। अब तो एन का मान धरेंगे तो अपने बंदा कट खुट करके रेडी हो जाएगा है ना। कुदर कहता यदि यहाँ पर मान लो एक दर या टू आएगा तो जीरो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। नंबर दर गए लेकिन यहाँ से दस नंबर कुछ कंसेप्ट उनको, हाँ तो वही ना है, इतना आसान नहीं है। अब देखो इसका वैल्यू निकालो, यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये तो ये समझ लिखा अच्छा चलो एक बार लिख लेना इसको। देखो अब ये बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, वन माइनस एन मल्टीप्लाई करो क्या होगा साइन पाई माइनस क्या होगा साइन ए माइनस बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या है पाई एन है जिसको एन पाई लिख सकते हो आसानी से। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ये तो साइन है तो खत्म हो गया। साइन एक्स सी डिग्री का मान, साइन एक्स सी डिग्री का मान जीरो बन गया जीरो, इसका मान क्या निकल गया पूरा टर्म टर्म ही चला गया बोलो हुआ ना, क्योंकि साइन पाय होता है जीरो, साइन ए भी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी जीरो चल गया। एक रट लो सूत्र बना करके यहाँ से जीरो रिजल्ट हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, अभी पता नहीं है ना लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ये रहेगा ये लिखेंगे यहाँ से दो रिजल्ट निकला ये वो निकाले हम लोग साइन एन पाई बराबर जीरो ये वो निकाले कॉस एन पाई बराबर क्या निकाले माइनस वन के पावर एन, दूसरा निकाले कॉस एन प्लस वन इंटू पाई सिंपल माइनस वन पावर जो है वो उछल के चल जाएगा वन प्लस एन, यहाँ वन प्लस एन कर दो ठीक है ना। तेसर निकाले हम लोग साइन पाई इंटू वन माइनस एन का क्या होगा जीरो, ये रिजल्ट रखो ध्यान में क्योंकि एग्जाम में एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा हमको सारा समझने के लिए एक्सप्रेस नोट लिख ले, हाँ समझने के लिए मिटाए नहीं हम इसीलिए कर लीजिएगा रहेगा ना तो बाद में रिविजन करने में ठीक रहेगा तुमको जो मन लिखो। चलो अब क्या करेंगे और ए नोट का वैल्यू क्या निकला है, ए नोट का वैल्यू फोर बाय पाई ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से बताइए आगे क्या करेंगे, सारा वैल्यू किसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, इसीलिए एफ एक्स यानी कि कोसाइन सीरीज निकलेगा, किसके लिए कोसाइन सीरीज निकलेगा एफ एक्स बराबर साइन एक्स के लिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स के लिए जो कोसाइन सीरीज निकलेगा वो सीरीज क्या होगा वन बाय टू इंटू फोर बाय पाई है ना प्लस समेशन ऑफ एन बराबर वन से इन्फिनिटी तक ए एन का मान पोस्ट वन कर देते हैं इसको माइनस वन बाय पाई इंटू वन प्लस क्या होगा एन होगा इंटू एन है माइनस वन के पावर, इसको लिखो थोड़ा सा जगह कम रहा मेरे लिखेगा नहीं लिखो इसको बाद में भूलेगा तुम भूलेगा लिख लो उसको ना लिखो 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 देखिए अभी बहुत टाइम है मेरे पास चार दिन टाइम चार दिन तुम बहुत कुछ कर सकते हैं चार दिन लिखो मेमोरी कार्ड ना इस खत्म है उसको खत्म समझो किसका मोबाइल है कुमारी कुमारी को फोन आता है।
अच्छा हो रहा है अच्छा से वीडियो सब जबरदस्त कहने का जवाब नहीं है जा करके मस्ती में डेढ़ मिनट टाइम मिलेगा अच्छा से रिवाइज करो जहाँ दिक्कत है व्हाट्सएप कर दो तुमको सॉल्यूशन भेज देंगे ग्रुप में जुट जाओ सब हमारे ग्रुप में सर जी अच्छी करिए अरे हमको जुड़ने ना आता अभी जुड़ने तुम आता है मेरे मोबाइल से जुड़ एडमिन जो आए ना जो हाँ एडमिन है लेकिन कैसे जुड़ता हमको पता नहीं है नंबर सेव कर लीजिए चलो रहेगा तो ठीक रहेगा ना मेरे तुम लोग ग्रुप में रहा लड़का सारे को है ना ग्रुप में बना लो जीनियस जो दिक्कत होगा उसमें सेंड कर लेना पहले सब मिलकर सॉल्व करना जब तुम लोग से होगा तब हम करेंगे ये टेक्निक है जी सर ठीक है बनाते हैं पहले जो दिक्कत होगा सब मिलकर देखना करना वो भेजना सॉल्यूशन जब नहीं होगा तब तो हम है ही ना यस तो हम भी एकता कर लेंगे देखेंगे क्या है जाने का तो आसान हो जाएगा सब मिलकर करेगा ना तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा हो गया पूरा पॉइंट वाला सब बात लिख लिए हो लिखो इसलिए लाइन के कहाँ तक गए अभी नहीं गया यही तक है अभी हाँ ये सब फार्मूला है वैसे हम लोग ड्राइव कर लिए हमको जरूरी था हमने ड्राइव कर लिया सर आओ लिख लीजिए ना देखो ये रिजल्ट हो गया इसको नोट या रिमार्क्स करके लिख लेना नोट करके नोट नंबर एक दो तीन कल भी दो को लिखाए थे दो को कल भी लिखाए थे अब पांच छह सूत्र और है जो कि वो कल हम लिखा देंगे जनरल फार्मूला है ना वो क्या क्या होता है ये तो बार बार तुमको परेशान करेगा वो कल हम देख लेंगे हर एक केस के लिए क्या होता है पता है यहाँ कोई क्लास चलता है ठीक है आगे क्या करेंगे पहले पुट की हम लोग एन प्लस वन ठीक है ना माइनस वन हो गया इसके बाद एन का मान भरे एक चीज यहाँ से और यही माइनस कॉमन आएगा यहाँ पर आएगा ना कॉमन निकाल लो उसको तो एफ एक्स बराबर क्या होगा टू से कटेगा टू बाय फाइव समेशन ऑफ एन बराबर वन से इन्फिनिटी तक माइनस बाहर चला गया प्लस माइनस माइनस वन बाय फाइव इंटू वन प्लस एन इंटू माइनस वन के पावर एन प्लस वन माइनस वन ठीक है ना इंटू कॉस एन एक्स यही निकल गया क्वेश्चन का एक पार्ट ये हुआ है अच्छा तरीका से देखो एक पार्ट ये निकाले यानी कि क्या निकाले हम कोसाइन सीरीज निकाले किसके लिए निकाले एफ एक्स बराबर साइन एक्स के लिए निकाले हम लोग कोसाइन सीरीज निकाले देख रहे हो कितना लंबा है सत्तर में सत्तर सबका बस का बात नहीं है वो थर्ड सेमेस्टर मैथ में थोड़ा सा मेहनत क्योंकि इतना लंबा लंबा दिया है तुमको इतना बना देना पड़ेगा ना कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खाली लिखने में जितना टाइम लग जाए बाकी कैलकुलेशन दिमाग लगाना है लिखने में जो टाइम लग जाए तबे तुम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो नहीं तो तब नहीं हो पाएगा थर्ड सेमेस्टर में आगे देखेंगे ना हम लोग आगे देखेंगे ना क्वेश्चन एक पार्ट हुआ पूरा दूसरा पार्ट अब ना होगा पूरा इनका लिए अब कहता है एंड हैंड रिड्यूस डेट इतना अब देखो यहाँ क्या है यहाँ क्या है एक्स का क्या पुट करना पड़ेगा हमको इसमें क्या पुट करना पड़ेगा क्या पुट करना पड़ेगा फाइव बाय फोर पुट करना पड़ेगा ये चीज लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक्स के जगह पर क्या करना पड़ेगा बोलो फाइव बाय फोर पुट करना पड़ेगा ना चलो लिखो यहाँ तक लिखो पहले इसको लिखो सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले मेरा आईसीएसई में रहा था सोलह बस क्या
किधरो बैठे लगे देख हमरा हां यहां ही बैठे सर जी ये जे यहां एडमिशन करे त हाथ नहीं कम्युनिकेशन स्किल की बात है हमरा बगल में एक सर जी बैठे आगे काम करे हम लोग जी सर देखो ठीक है इसको मिटाते हैं निकल का देंगे बना लिया हमने अच्छा ठीक अभी तक मैं जे ही तैयारी करती हूं कौन ए देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग हमको ये लाना है ये बराबर क्या लाना है ये लाना है उसके लिए क्या करेंगे x देखो एगो fx का ये वैल्यू है देखो एगो fx क्या वैल्यू है एगो fx का कौन वैल्यू है sin x है ना ठीक है ठीक है तो x के जगह पर ऐसा वहां पर क्या रखा जाए